ये है दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद में सिविल सेक्रेटेरिएट का इलाका, जहां ऐवान वज़ीर-ए-आज़म समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मरकजी दफातर और वज़रा ब्लाक कायम तो किए गए हैं, लेकिन यहां अक्सर दफातर में खाली कुर्सियां आने वाले साइलीन का मुंह चिढ़ा रही हैं। लोग बेचारे बहुत दूर दूर से आते हैं, मुजफ्फराबाद के करबो जवार से आने वाला तो फिर दूसरे दिन आ सकता है, जो भी रावला कोट बाग मीरपुर कोटली नीलम के जो इतने दूर आके एक साइन के लिए हफ्ते हफ्ते तक तरसता रहता है। जगह जगह लोग सुबह से शाम तक लोग मिनिस्टर के इंतजार में जलील होते रहते हैं। पता किया था एक मिनिस्टर साहब को, वो कोटली में, तो फिर एक और मिनिस्टर साहब को पता किया था, वो भी कोटली में। यहाँ पे आते हैं, कोई मिनिस्टर मिलता नहीं है, होटलों पे जाते हैं, होटलों पे हम गरीब लोग हैं, हम तो इतने अफोर्ड कर नहीं सकते क्योंकि महंगाई है, तो वहाँ पे रह रहे के अभी यहाँ कोई काम हो नहीं रहा है। लोगों का कहना है कि मुनासिब निगरानी का अमल न होने के सबब आला अफसरान और दीगर अमले का दिन ढलते दफातर का रुख करना भी मामूल है, जबकि हुकाम का दावा है कि अफसरान की बरवक्त हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक निजाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। हुकूमत कई बार हदायत जारी कर चुकी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट भी बायोमेट्रिक सिस्टम के अंदर जा रहा है। हम चाहेंगे कि वो आज़ाद कश्मीर के बाकी दफातर के अंदर भी बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है, बाकी सेक्रेटेरिएट के अंदर भी बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से हफ्ते के पाँचों रोज दफातर में हाजिरी यकीनी बनाने के अहकामात को वज़रा की जानिब से भी खातिर में नहीं लाया गया है। मुनासिब निगरानी का अमल न होने की वजह से दफातर में सरकारी औकाते कार की पामाली भी मामूल बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकी उल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।